गाइस आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक न्यू एनीमे जिसका नाम है इन अनदर वर्ल्ड विद माय स्मार्टफोन। तो ये एक फैंटेसी हारम टाइप का एनीमे है जिसके 12 एपिसोड्स हैं। इसका मैंने एक रिव्यू वीडियो भी बना रखा है, तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो ये एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी देखा करो, क्योंकि फिर बाद में जो है बंदे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं कि इस एपिसोड में ये क्या था या वो क्या था। तो भाई मैं हर चीज़ जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एपिसोड में, तो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको वैसी हर चीज़ समझ आ जानी है। तो आधी अधूरी वीडियो मत देखा करो और स्किप मत करा करो अगर आपको एपिसोड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। और इस एनीमे का हर एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। अब बहुत हो गई बातें, तो बिना टाइम फॉर लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे गॉड एक लड़के से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें मार दिया लाइटनिंग से, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे कोई होगा, तुम्हारा नाम क्या था? वो लड़का बोलता है मोचिज़ुकी तोया। गॉड बोलता है तुम काफ़ी शांत से लग रहे हो, मुझे लगा तुम घबरा जाओगे ये सुन के कि तुम मर चुके हो। तोया बोलता है शायद इसलिए क्योंकि ये सब मुझे अभी रियल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सपना है और अब कंप्लेंट करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है, जो हो गया वो हो गया। गॉड बोलता है तुम काफ़ी समझदार लगते हो। तोया बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं 15 साल की उम्र में ही मर जाऊँगा, तो अब मेरे साथ क्या होगा? गॉड बोलता है तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा मैं। तोया बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? गॉड बोलता है हाँ, मगर तुम जिस वर्ल्ड के हो मैं उसमें तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, तो अब मैं तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड में भेज सकता हूँ जहाँ पर मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ दे सकता हूँ। तोया बोलता है ठीक है। गॉड बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकता हूँ तुम्हें इस परेशानी में डालने के लिए? कुछ भी जो तुम चाहते हो अपनी अगली लाइफ में। तोया अपना स्मार्टफोन निकालता है और बोलता है क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी अगली लाइफ में? गॉड बोलता है ठीक है तुम इसे रख सकते हो, तुम इसको मैजिक एनर्जी से चार्ज कर सकते हो वहाँ पे। तोया बोलता है क्या वहाँ पे मैजिक होगा? गॉड बोलता है हाँ वो एक मैजिकल वर्ल्ड है और तुम खुद भी मैजिक यूज़ करना जल्दी सीख जाओगे वहाँ पे। तोया बोलता है एक और चीज़, क्या मैं अपने स्मार्टफोन से कॉल कर पाऊँगा किसी को? गॉड बोलता है सॉरी तुम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मगर तुम इसमें कुछ भी पढ़ या देख सकते हो अपने वर्ल्ड से रिलेटेड और तुम मुझे कॉल भी कर सकते हो। तोया बोलता है मैं समझ गया, चलो फिर इसी के साथ चलते हैं। और इसी के साथ इस एनीमे की शुरुआत होती है। अब तोया की आंख खुलती है एक न्यू वर्ल्ड में, तभी उसका फोन बजने लगता है। वो उसे उठाता है और फोन होता है गॉड का। गॉड बोलता है तो तुम पहुंच गए, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने तुम्हारे जो फ़ोन है उसमें मैप और नेविगेशन को चेंज कर दिया है तुम्हारे न्यू वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तोया बोलता है थैंक्स। गॉड उसे फिर गुड लक बोलता है और फ़ोन रख देता है। अब तोया मैप को फॉलो करते हुए सिटी की तरफ जा रहा होता है और बोलता है मैं अगर सिटी पहुँच भी गया तो वहाँ करूँगा क्या, मैं अपने वर्ल्ड के पैसे यहाँ यूज़ भी नहीं कर सकता। तभी पीछे से घोड़े की गाड़ी उसके पास से गुजरती है और आगे जाके रुकती है। उसमें से एक बंदा भागते हुए तोया के पास आता है और बोलता है हे तुमने ये अजीब से कपड़े कहाँ से लिए, क्या तुम इन्हें मुझे बेचना चाहोगे, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा इसके। और फिर वो उसको अपनी शॉप पे ले जाता है और तोया को दूसरे कपड़े देके उसके कपड़े ले लेता है और उसे काफ़ी पैसे भी देता है उसके बदले। जाते वक्त तोया उस आदमी से बोलता है कि क्या यहाँ कोई होटल वगैरह रहने के लिए? वो आदमी उसको डायरेक्शन दे देता है एक होटल की जिसका नाम होता है द सिल्वर मून। तोया जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ बंदे दो लड़कियों को उनके एंटलर के बदले पैसे नहीं दे रहे थे जितने वो मांग रही थी, क्योंकि उसमें एक छोटा सा स्क्रैच था। वो लड़की अपना एंटलर वापस मांगती है मगर वो बंदे देने से मना कर देते हैं। तभी तोया वहाँ आता है और उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम अपना एंटलर मुझे देना चाहोगे एक गोल्ड कॉइन के बदले? लड़की बोलती है ठीक है, और फिर तोया एक पत्थर मार के उस एंटलर को तोड़ देता है। तभी वो बंदा तोया को मारने आगे बढ़ता है और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गॉड उसको पावर्स देता है जिससे उसका स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस, मेमोरी सब कुछ इंक्रीज हो जाता है और उसे बूस्ट मिल जाता है हर चीज़ में। और तोया एक ही हिट में उस बंदे को धूल चटा देता है। फिर वो उस लड़की को एक गोल्ड कॉइन देता है जैसा उसने बोला था। वो लड़की बोलती है थैंक्स हमें बचाने के लिए, मेरा नाम है एलिस चिलुएस्का और ये मेरी यंगर ट्विन सिस्टर है, इसका नाम है लिंस चिलुएस्का। तोया बोलता है कि हाय मैं हूँ मोचिज़ुकी तोया। एलिस बोलती है बड़ा अजीब नाम है। तोया बोलता है ये मेरा फैमिली नेम है, तुम मुझे तोया बुला सकती हो। एलिस बोलती है ओह तो तुम अपने आप को उल्टा इंट्रोड्यूस करते हो, तो तुम मिशन से हो, तुम इतनी दूर यहाँ क्या करने आए? तोया बोलता है वेल मैं अभी एक होटल ढूंढ रहा हूँ द सिल्वर मून।
लिंस बोलती है, एक्चुअली हम दोनों इसी होटल में रह रहे हैं। वो तोया को उस होटल में ले जाते हैं। तोया एक महीने के लिए रूम ले लेता है। अब ये दोनों सिस्टर बैठ के गिल्ड जॉब लेने की बातें कर रही होती है, तभी तोया बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मैं भी काम की तलाश में हूँ। एलिस बोलती है कि श्योर, कल हमें यहीं मिलना। अगले दिन तोया दोनों ट्विन सिस्टर के साथ गिल्ड में जाता है, जहाँ पे वो सब जॉब चूज कर रहे होते हैं अपना। मगर जो तोया है वो वहाँ कुछ भी लिखा हुआ समझ नहीं पा रहा होता है। एलिस बोलती है कि तुमने कुछ डिसाइड करा? तोया बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ लिखा क्या है। लिंस बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तोया बोलता है हाँ नहीं। लिंस बोलती है, ये मिशन एक बीस्ट मॉन्स्टर को मारने का है, रिवॉर्ड है 18 कॉपर कॉइंस। एलिस बोलते हैं कि तोया तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तो तुम हमारे साथ टीम क्यों नहीं बना लेते? तोया बोलता है कि ठीक है, और ये लोग वो मिशन ले लेते हैं। अब तोया एक स्वॉर्ड ले लेता है एज अ वेपन, और ये फॉरेस्ट में जाके वुल्फ्स को मार देते हैं। ये दोनों ट्विन सिस्टर अपना मैजिक यूज़ करके उन्हें हराते हैं, और जो तोया है वो अपनी स्वॉर्ड से ये सब अपना मिशन पूरा कंप्लीट करके 18 कॉपर कॉइंस ले लेते हैं। अब ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तोया बोलता है कि क्या तुम मुझे लिखना और पढ़ना सिखा सकते हो? एलिस बोलती है कि लिंस तुम्हें सिखा देगी, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फिर तोया बोलता है कि एक और चीज़, क्या तुम मुझे मैजिक यूज़ करना भी सिखा सकते हो? एलिस बोलती है कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्या तुम्हारे पास एप्टीट्यूड है? लिंस बोलती है कि किसी का भी मैजिक एप्टीट्यूड से पता चलता है जिसके साथ वो पैदा होता है, जो बिना एप्टीट्यूड के पैदा होता है वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। तोया बोलता है, किसी ने मेरे को बोला था कि मैं मैजिक यूज़ करना सीख जाऊँगा जल्दी। एलिस बोलती है कि और वो कौन था? तोया बोलता है कि है कोई, तो मैं कैसे पता लगाऊँ कि मेरे पे कौन सा एप्टीट्यूड है? लिंस बोलती है कि इन्हें स्पेल स्टोन्स बोलते हैं, और ये मैजिक पावर स्टोर या फिर रिलीज करते हैं। और एक स्टोन उठा के बोलती है वाटर, और उसमें से पानी निकलने लगता है। सेम चीज़ एलिस करती है, मगर उस स्टोन से वाटर नहीं निकलता। वो बोलती है कि अगर तुम में वाटर एप्टीट्यूड नहीं है तो तुम वाटर मैजिक यूज़ नहीं कर सकते, और जो एलिस है वो फोर्टिफिकेशन मैजिक यूज़ कर सकती है। फिर वो तोया को स्टोन देती है। तोया जैसे ही बोलता है वाटर, तभी एकदम से उसमें से भर के पानी निकलने लगता है। ये देख के एलिस और लिंस जो है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तोया बोलता है कि क्या और भी स्टोन्स हैं? वो बोलती है हाँ, बट पहले बाहर चलते हैं। और बाहर जाके तोया सारे एलिमेंट यूज़ कर देता है, फायर, अर्थ, विंड, लाइट और डार्कनेस। तोया बोलता है कि क्या हुआ? लिंस बोलती है कि हमने पहली बार देखा किसी को जो सारे एलिमेंट यूज़ कर सकता है। मैं 3 एलिमेंट यूज़ कर सकती हूँ, और ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तुम तो कमाल के हो। तोया बोलता है ये लास्ट स्टोन क्या है? लिंस बोलती है कि ये नल मैजिक है, इसकी कोई पर्टिकुलर इंचेंटमेंट नहीं है। तोया बोलता है तो फिर इसे यूज़ कैसे करेंगे? लिंस बोलती है कि यूज़र पे डिपेंड करता है वो, जैसे कि मेरी सिस्टर का फोर्टिफिकेशन मैजिक, एक पावर इंक्रीज करने का भी मैजिक होता है, एक गेट मैजिक होता है जिससे टेलीपोर्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये एक टाइप का पर्सनल मैजिक होता है किसी भी यूज़र का। तोया उसको ट्राई करता है और बोलता है गेट, और तभी वहाँ हवा में होल आ जाता है, और तोया टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज़ कर लेता है। ये देख के जो एलिस और लिंस है वो और भी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो होल जो है वो उस फॉरेस्ट पे कनेक्ट होता है जहाँ पे इन सब ने अपना मिशन करा था। लिंस बोलते हैं कि शायद यूज़र के माइंड में जो जगह होती है वो हमें यहीं पर लेके जाता है, ये गेट वाला जो मैजिक है। वापस होटल जाके जो एलिस बोलती है कि तुम सारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अजीब है। लिंस बोलती है तुम काफ़ी अमेजिंग हो तोया। तोया मन में बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि गॉड ने मुझे ये सब दिया है। तभी वहाँ होटल की ओनर आ जाती है और बोलती है ये मेरी फ्रेंड है, ये कैफ़े पॉइंट में काम करती है। वो लड़की बोलती है अपने मेन्यू में मैं कोई न्यू आइटम ऐड करने का सोच रही हूँ, तुम ट्रैवलर्स हो तो तुम्हें शायद पता हो कोई अच्छा आइडिया जो कि मैं वहाँ पे यूज़ कर सकूँ, कोई भी अच्छा सा फूड। तोया उन्हें आइसक्रीम के बारे में बताता है, मगर जो है इन्हें कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में। तो तोया अपना फ़ोन निकालता है और उसमें आइसक्रीम बनाने की जो रेसिपी है वो देखता है। लिंस बोलती है ये क्या है? तोया बोलता है ये एक मैजिकल आइटम है जो मेरे को हेल्प करता है थोड़ी चीज़ों के बारे में पता करने में। तोया उन सबको आइसक्रीम बना के खिलाता है फिर, और सबको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो लड़की बोलती है मैं इसको अपने कैफ़े में ऐड करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इससे मेरा जो कैफ़े है वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। एलिस बोलती है तुम्हारे उस डिवाइस की वजह से तुम और भी ज़्यादा अजीब होते जा रहे हो। लिंस बोलती है मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ अब इसके बारे में। तोया बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें रिपे कर पाया। लिंस बोलती है कि किस लिए? तोया बोलता है मुझे मैजिक सिखाने के लिए, थैंक्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, फर्स्ट एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डायरेक्ट एक न्यू वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जहां पे उसको कुछ भी नहीं पता उस जगह के बारे में, और वो बिल्कुल नया है उस जगह में। लेकिन जो गॉड ने उसको पावर्स दी है उसकी वजह से उसको वहां पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है।
तो अब आगे क्या होता है और जो तोया है वो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें करता है वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एम रख रहा हूँ 100 लाइक्स का, बहुत ही कम है तो करवा दो। जो जो इस वीडियो को देख रहे हो जल्दी जल्दी लाइक करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।